व्हाट इज अप गाइस, स्काई हियर। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं शुगर केन फार्म, वो भी ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। तो वीडियो को कर देना एक लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो शुगर केन फार्म बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान है, जैसे कि ये मैंने स्टोन ले लिया, सैंड ले लिया, वाटर बकेट ले लिया, पिस्टन, ऑब्जर्वर, रेड स्टोन, यहाँ पर हॉपर, चेस्ट, इतने कुछ अभी तक हमने लिए हैं। एंड यहाँ पर करना है, तो सबसे पहले आपको कोई एक प्लेस ले लेनी है। तो यहाँ तो मेरा पूरा वर्ल्ड ही फ्लैट है, एंकर सीन करा है मैंने। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लॉक्स आपको प्लेस करने हैं, 5x5 जो पहले 5 के ब्लॉक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको एक और लेयर ऊपर करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे के साइड में यहाँ से पे सैंड लगानी है, इसको तोड़ना नहीं, यहाँ पे सैंड लगानी है। ठीक है, मेरे से गलती से टूट रही है तो माफ़ करना। तो यहाँ पे मैं सैंड लगाता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, सैंड लगा दिया। इसके आगे से आपको ये चीज़ तोड़ना है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से तोड़ना है, 5 ब्लॉक्स ऐसे तोड़ने के बाद। देखो यहाँ पे गलती से मेरे से टूट रही है, देखो एक काम करता हूँ, मैंने हाथ में डर्ट भी ले लेता हूँ जिससे कि टूटे ना। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पे डर्ट ले लेता हूँ, ग्रास ब्लॉक ना। तो चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे टूटने पे यहाँ पे दिखे ना आपको। ठीक, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अरे भाई साहब, मैं भूल गया था, मैं सैंड ऊपर रख रहा हूँ ना। ओ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डर्ट ऐसे रखना है, सैंड रख देना है, यहाँ पर आपको डिक करना है, एंड बीचों बीच, ठीक है, ये बीच वाले जगह पे एक और ब्लॉक आपको यहाँ पे ऐसे करनी है, एंड एक और ब्लॉक्स यहाँ पे ऐसे करके, ठीक, यहाँ पर ऐसे करना है। एंड इसके बाद ये चेस्ट लेना है आपको, चेस्ट को कुछ इस तरीके से इस साइड आके ऐसे प्लेस नीचे कर देना है। ठीक है, नीचे प्लेस करना है। भाई मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा ये चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब आपको सैंड्स के दोनों कोने से कोई वही वाली ब्लॉक लेनी, कोई भी आप ले लेना आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके, इधर से भी ऐसे ऐसे, इधर से करके, फिर ऐसे 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 और ऐसे। देखो कुछ इस तरीके का आपका ये दिखेगा, देख लो यहाँ पे, फिर बोलना मत भाई तूने बताया नहीं। ठीक, फिर आपको क्या करना है, पिस्टन लेना है, पिस्टन लेके इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पिस्टन प्लेस करना है। एंड फिर आपको इस पीछे जाके ऐसे, इसके पीछे जाके यहाँ पर आपको ब्लॉक्स लगाने हैं। ठीक, तो चलो यहाँ पे मैं ब्लॉक्स फिर से लगा लेता हूँ, आप कोई भी ब्लॉक लगा लेना आपकी मर्ज़ी है। मैं तो यहाँ पे ये स्टोन्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत, मतलब आसानी से तुम्हें मिल भी जाएगी ना। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमें इस पिस्टन के ऊपर ब्लॉक लगाने, मतलब पिस्टन के ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ब्लॉक्स लग गई, एंड इसे और इसे तोड़ना है अब। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स प्लेस करनी है हमें। तो चलो यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो कुछ इस तरीके से मैंने ब्लॉक्स प्लेस किए हैं यहाँ पे, तुम देख लो ना, फिर तुम बाद में दिक्कत ना करो। फिर उसके बाद ब्लॉक्स के पीछे, मतलब पिस्टन के ऊपर आके हमें ऑब्जर्वर लगाना है। याद रखना, पीछे से ऑब्जर्वर लगाना है, जिससे ये देखो ये लाल वाली बत्ती, मतलब लाल वाली बत्ती ऐसी जो चीज़ है, ये चीज़ हमारे पीछे रहे। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लगा दिया। एंड इसके बाद आपको ये स्टोन्स को तोड़ लेना है। ये स्टोन्स को मैंने ऑब्जर्वर, ताकि ठीक से लगे, इसीलिए मैंने ये स्टोन्स लगाए थे, वरना एक बार में लगता नहीं है। ठीक से, तो आप ऐसे स्टोन्स लगा लेना, फिर देखो ये चीज़ ऐसा कुछ दिखेगा। फिर आपको उठाना है रेड स्टोन डस्ट। उठाने के बाद पीछे साइड आपको यहाँ पर ऐसे 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 प्लेस कर देना है। ठीक, देखो इतना प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, हॉपर लेना है। ठीक, यहाँ पे हॉपर लेना, एंड ये चेस्ट में जाके यहाँ पर देखो, यहाँ पर आके एक हॉपर ऐसे प्लेस कर देना ताकि ये चेस्ट से कनेक्ट हो जाए। ठीक, एंड यहाँ नीचे के साइड में हॉपर यहाँ पे प्लेस कर देना, यहाँ पे ये पूरी जगह पे, जैसे ये 5 जगह, तो यहाँ पर हम हॉपर को प्लेस कर देंगे। ठीक, के बाद यहाँ पर आपको आपके स्टोन लेने, एंड इसको भी ऐसे बंद कर देना कुछ इस तरीके से, एंड फिर यहाँ पर आपको पानी डाल देना है। ठीक है, तो सिंपल से मैं यहाँ पर पानी डाल देता हूँ, यार मेरे से ऊपर वाली बटन दब रही, माफ़ करो, यहाँ पर, एंड यहाँ पर पानी डाल दिया। ठीक, यहाँ पर पानी डाल दिया। ठीक, एंड यार हॉपर खुल जा रही गलती से मेरे से, भाई मैं भूल जा रहा हूँ, मेरे हाथ में हॉपर लगी है, लोल। ठीक है, पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, शुगर केन लेना है। ठीक, तो शुगर केन तो ज़रूरी है, तो चलो यहाँ पे मैं शुगर केन ले लेता हूँ, शुगर केन। ठीक है, ये शुगर केन लेनी है, एंड इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देनी, 1 2 3 4 5। ठीक है, शुगर केन लगाना है, एंड फिर आप अपना कोई ग्लास ब्लॉक ले लेना, मैं थोड़ा सा डेकोरेट के लिए बता रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे ग्लास ब्लॉक ले लेते हैं, कोई भी ले लो, कलर वाली है तो कलर वाली ले लो, वो भी अच्छी लगेगी। तो चलो मैं व्हाइट वाली, कलर वाली ले लेता हूँ।
एंड इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे तीन तीन फ्लोर से ढक देना है, जैसे एक, अरे यार मैं शुगर कैन लिया हुआ था, देखो ऐसे आपको ढक देना है, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे ढक रहा हूँ सिंपल से उसी तरीके से, मतलब अच्छा लगे थोड़ा देखने में, इसीलिए देखो ऐसे आपको ये ढक देना है, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। अब देखो ये काम कैसे करेगा, देखो मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें मैं थोड़े से प्रोसेस से बता रहा हूँ। जब ये शुगर केन यहाँ से ग्रो होंगी, तो जब ये जो हमारा ऑब्जर्वर इसकी लिमिट तक पहुँचेगी, तो ये ऑब्जर्वर क्या है, ये पिस्टन को बोलेगा एंड पिस्टन जो है वो पुश होके तोड़ देगा। देखो मैं तुम्हें सिखा दूँ, देखो सेकंड लेयर तक पहुँची एंड देखो जैसे ये थर्ड लेयर तक ग्रो होगी, तो देखो सारे पिस्टन एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो तुम्हें फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखो देखो जैसे ये थर्ड लेयर ऑब्जर्वर तक पहुँच रही है, तो ये सारी चीज़ आ रही है एंड ये चीज़ पानी में गिर जा रही है एंड उसके बाद, पर यार देखो यहाँ से टूटा एंड इसके बाद यार जो ये शुगर केन है ये हमारे चेस्ट में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे शुगर केन चेस्ट में आ गए हैं, अपने आप ऑटोमेटिक ये काम होगा, तो आप ये यहाँ पे बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ऐसी ट्यूटोरियल्स के लिए फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो करो सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, इट विल मीन्स अ लॉट। बाकी मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।